सिचुएशन में या एडजस्ट वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बनने का, तो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समायोजन की विधियां, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, एक मिनट रुकना, अगर हम बात कर रहे थे कि भाई एक है डायरेक्ट तरीका यानी प्रत्यक्ष या समस्या समाधान विधियां, इनको डायरेक्ट वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होती है, जब हम डायरेक्टली किसी चीज को अप्रोच करते हैं कि भाई ये समस्या है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो या तो डायरेक्ट तरीका कह लीजिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स कह लीजिए। दूसरा है इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मैकेनिज्म्स, यानी अप्रत्यक्ष या फिर बचाव केंद्रित युक्तियां, डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स। देखिएगा ये आप लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की है इसमें, एक मिनट रुकना, खैर चलिए समझते हैं फटाफट से। अगर हम बात करते हैं डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स की, हाँ डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स कौन से हैं, जो अपने आप को बचाव के लिए हमारा दिमाग, हमारा ईगो, हमारा अहम यूज करता है, ताकि हम अपना मेंटल बैलेंस ना खो दें, हम मानसिक रूप से ग्रस्त ना हो जाएं, बीमार ना हो जाएं, इसलिए बेसिकली, या फिर बीमार भी छोटा शब्द होगा, हम अपना आपा ना खो दें, एक तरह से हम एक लाइन क्रॉस ना कर जाएं, हम बिल्कुल खराब स्थिति में ना चले जाएं मेंटली, है ना। और हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स या इनडायरेक्ट वेज अपनाता है, जब हम डायरेक्ट तरीके यूज नहीं कर पाते। चलिए समझते हैं दोनों को, ही बहुत मजेदार टॉपिक है। डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कौन से हो सकते हैं एडजस्टमेंट के, यानी आपको समायोजन करना है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तरीके या समस्या समाधान आप डायरेक्ट करेंगे, तो उसमें आप, ये हेल्दी तरीके हैं, ये एक तरह से हेल्दी तरीके हैं जिनमें आप डायरेक्टली किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो डायरेक्ट वेज हैं वो हेल्दी हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस उतने हद तक हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली काम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है, एक कि भाई जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी आपको समस्याएं या बाधाएं नजर आ रही हैं, आप डायरेक्टली उनको या तो सॉल्व कर दें या रिमूव कर दें। भाई आपको लगता है परिवार में समस्या है तो आपको नौकरी लेनी चाहिए, तो आपने मेहनत की, आपने नौकरी ले ली, ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, यानी आपने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया। ठीक, या फिर आपको लगता है कि शोर आता है कहीं से, तो आपने बोल दिया सीधा सीधा कि भाई घर में इस टाइम पे टीवी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है, या फिर आप लाइब्रेरी चले गए, तो आपने क्या किया, या घर में बहुत शोर है या माहौल अच्छा नहीं रहता तो आप लाइब्रेरी चले गए, आपने क्या किया, उस ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को, वो जो प्रॉब्लम थी सामने, उसको हटा दिया, आपने वो सॉल्व कर दिया, उसको उसको उसका सही तरीका ढूंढ लिया, तो आप एडजस्टेड हो गए। नहीं तो आप रोज चिड़चिड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे, घर में शोर शराबा रहता है, या कुछ काम चल रहा है, या फिर लोग सपोर्टिव नहीं है, या तो फिर आप रात को पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, या तो आप रात को पढ़ेंगे, आप लाइब्रेरी चले गए, या आपने घर वालों को कह दिया भाई इस टाइम शांत रहो, तो ये क्या हुए, डायरेक्ट सॉल्विंग वेज हो गए, मतलब आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को, जो ऑब्स्टेकल थी उसको डायरेक्टली हटा दिया। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये डेमो ही है श्रेया, मतलब डेली नहीं चलेगी, डेली वैसे चलेगी बैच में, यहाँ नहीं चलेगी। सेकंड देखिएगा एक बार, चेंजिंग, यहाँ का करिकुलम अलग रहता है, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज। दूसरा डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, कि आपने प्लान चेंज करके देख लिया, भाई ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा, फेल हो गए पेपर में, आपने बी प्लान अपनाया, बी ने काम नहीं किया, सी अपनाया, मतलब आप प्लान में चेंज ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना अगर आप फेल हो रहे हैं तो। और फाइंडिंग न्यू वेज, या फिर आपने नए तरीके अपनाए किसी चीज को करने के, नए ढंग से करने के तरीके अपनाए, जो प्लान है उसको चेंज किया या फिर नए प्लान को अडॉप्ट किया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट तरीका हो गया कि भाई कार्यविधि में परिवर्तन या अन्य मार्ग खोजना, है ना। ठीक है, चेंजिंग प्लान, आपने या तो प्लान बदल के देखा या फिर नया कोई तरीका ढूंढ के देखा, है ना, क्लियर है। रिलेशनशिप से सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है, हाँ 3 मिलियन होने वाले हैं, बिल्कुल तेज प्रताप जी आप लोग का प्यार है, है ना, रिलेशनशिप के एग्जांपल से सबको बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो या तो आपने प्लान को चेंज किया, भाई बातचीत की, समझाने की कोशिश की कि ऐसे चीजें चल पाएंगे तो ऐसे चला लेते हैं, नहीं तो नए तरीके अपना लिए। अब नए तरीके में खतरनाक चीजें हो सकती हैं, हो सकता है आप अलग हो गए हों, सेपरेट हो गए हों, हो सकता है आपने कुछ और नया तरीका अपनाया हो चीजें ठीक करने का, तो ये क्या, एडजस्टमेंट करना है आपको अपनी रियलिटी के साथ। फिर आता है रिप्लेसमेंट, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। भाई आपको लग रहा है एक लक्ष्य है जो प्राप्ति जिसकी नहीं हो पा रही, अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या किया आपने, पलट दिया इसको, आप प्रतिस्थापन कर दिया, चेंज कर दिया, एक तरह से रिप्लेस कर दिया उसको, कि भाई ठीक है पहले यूपीएससी करना था, नहीं बन पा रही बात, आपका सब्जेक्टिव पेपर्स में आप उतने अच्छे नहीं है, लिखने में आप उतने अच्छे नहीं है, बट मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, तो आपने कहा चलो यार एसएससी करते हैं, है ना, मेरी स्ट्रेंथ्स यहाँ पे है। ठीक है, या फिर
अलग अलग हो सकता है भाई, केवीएस हो सकता है, डीट प्लस भी हो सकता है, ठीक। तो आपने क्या किया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, ठीक है, कि जरूरी नहीं है यार गवर्नमेंट जॉब ही करूं, यहां पे करता हूं प्राइवेट और मुझे पता है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये करता हूं ये करती हूं और ये करके वहां पहुंच जाऊंगी। तो आपने अपना लक्ष्य चेंज कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो जीवन भर उसी दुख में निकाल दी पूरी जिंदगी, अपने आपको नाकारा समझ लिया, है ना। क्योंकि है क्या, ये तरीके हैं, आज ये एग्जाम्स हैं, आज से 100 साल पहले कुछ और होगा, ठीक है, या 200 साल पहले कुछ और रहा होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे, ये डायरेक्ट तरीका है कि आपने रिप्लेस कर दिया, गोल को ही चेंज कर दिया, ठीक है। आपकी लाइफ है, आप क्या चूज करें आपकी मर्जी, ठीक। फिर आता है फोर्थ, मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजंस, यानी आपने विश्लेषण किया, एनालाइज किया अलग अलग चॉइसेस को, अलग अलग डिसीजंस को, और तब निर्णय लिया। आप किसी द्वंद में हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, मान लीजिए आप हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये डिसीजन लेना चाहिए, मतलब ये रास्ता चूज करें कि ये रास्ता चूज करें, आप बीच में अटके हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आप हैं क्या, टेंशन में, ठीक। आपने क्या किया, आपने प्रॉपर चॉइस यानी एनालाइज किया कि इस चीज के ये फायदे हो सकते हैं, एनालाइज मतलब टुकड़ों में तोड़ के देखना, विश्लेषण करना, ठीक है। न्यूज एनालिसिस आते हैं ना आजकल बहुत सारे चैनल्स पे, तो एनालाइज किया कि ये भी इसमें ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स बने आपने क्या किया, उसके बेसिस पे डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड किया उसके बेसिस पे। केवीएस की इंटरव्यू तैयारी कैसे करनी है, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बेसिकली टीचर हैं केवीएस में सीमा जी, उनके साथ, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे तैयारी की और क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मैथड्स, यानी कि इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मैथड्स, ये क्या है भाई, इनडायरेक्ट वेज हैं, ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमारा दिमाग यूज करता है किस चीज के लिए, हमारे हमें संतुलित बनाए रखने के लिए, हमें हम मेंटल बैलेंस ना खो दें, हम पागल ना हो जाएं एक तरीके से, उस सेंस में। वैसे तो आजकल हम ये वर्ड यूज करते नहीं हैं, है ना, तो ये एक बात हुई। अब इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली ये दिए थे और आज की डेट में तो बहुत सारे हैं, फिर बाकी लोगों ने भी बहुत सारे, उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने भी दिए बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये इनडायरेक्ट वेज हैं, इनको हेल्दी नहीं कहेंगे, इनको हेल्दी नहीं कहेंगे, बट ये इनडायरेक्ट वेज हैं, मतलब ऐसे भी हमारी पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट क्रिएट करती है, बट चलो माल एडजस्टमेंट से तो अच्छा है कि ये इनडायरेक्ट वेज ही अपना लिए जाए, ठीक है। तो समझते हैं रैशनलाइजेशन क्या है, समझिएगा एक बार, देखिएगा इसको, देखो यूट्यूब पे लोग 1.5 घंटे की क्लास में ना बोर हो जाते हैं, पढ़ने की आदत रही नहीं हमारी, है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, मैम सुपर क्लास है, बहुत बढ़िया तबस्सुम, और जिनको पढ़ने की आदत है डेली क्लास लेने की, उनको ये रहता है कि यार एक से ऊपर लेके जाओ, एक से पहले मत खत्म करो। देखो रैशनलाइजेशन क्या है, युक्तिकरण यानी और तर्क संगतिकरण। युक्तिकरण क्या है, पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, है ना, फेल हो गए आप, तो आपने कहा टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे वो अच्छा ही नहीं पढ़ाते, हम तो इस बार ना इस वाले टीचर से पढ़ेंगे, जबकि उन्हीं टीचर से पढ़ के और बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे, जिन्होंने अच्छा किया होगा, बट आपने क्या किया, तर्क दे दिया, है ना, युक्ति निकाली, तर्क संगतिकरण, अरे टीचर ही अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाया, मतलब आप रीजंस देते हैं, आप रैशनलाइज करते हैं कि ये हो गया था इसलिए ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया था, ठीक है जी, थैंक यू लोगो। अगर हम बात करें, आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी, भाई टीचर से मेरे को ना पर्सनली कोई दिक्कत है, हो सकता है हो भी, बट ऐसा मान लिया आपने, नहीं है तब भी, ठीक है। तो हिस्ट्री टेस्ट में आप फेल हो गए, या किसी भी टेस्ट में आप फेल हो गए, या कुछ भी आपके साथ जीवन में गलत हुआ, आपने कहा यार इसका ना ये रीजन रहा होगा, वैकेंसी नहीं आती, क्या करूं, है ना, फिर लेकिन कुछ लोग तो रहे होंगे जिन्होंने पेपर निकाला होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, रैशनलाइजेशन हुआ, कि आप रीजन देने लगते हैं, आप तर्क देने लगते हैं कि मैं फेल हुआ इसलिए, वो होता है ना अंगूर खट्टे हैं, वो जो लोमड़ी वाला एक उदाहरण चलता है इसके लिए रैशनलाइजेशन में, कि लोमड़ी के हाथ अगर अंगूर नहीं आए तो कहेगी यार खट्टे हैं, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, है ना। तो ये रैशनलाइजेशन है, ये क्या है, रैशनलाइजेशन है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर, है। तो ऐसे भी आपका दिमाग खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, और इसमें क्या बुराई है, मतलब एक तरह से बुराई क्या कहेंगे, बट ये हेल्दी तरीका नहीं है बहुत ज्यादा, बट अगेन आप एटलीस्ट एडजस्टमेंट में हैं, आप रात और दिन दुखी नहीं है, आप ये कह के अपने आप को खुश कर ले रहे हैं कि इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर ने बड़ा बुरा किया, ठीक। प्रोजेक्शन है, ये इनडायरेक्ट वेज है, ये डायरेक्ट नहीं है, आप जब ये काम कर रहे होते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म, तो हमें पता भी नहीं होता, है ना, हमें लगता है नेचुरली हमारा यही चल रहा है, तो ये बेसिकली अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग काम कर जाता है या सबकॉन्शियसली। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या है, है ना, जो दिमाग में आपके चल रहे हैं, आप सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यार मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं रात और दिन, आप कह रहे हैं अरे ये झूठ है ना, आप खुद खराब है, आप कह रहे हैं दुनिया ही खराब है, ठीक है,
तो वो एक बचपन में हम एक लाइन मारते थे ना एक दूसरे को कि किसी ने कुछ कह दिया, अरे जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है ना, जो खुद होता है वो, हाँ जो जो बोलता है वो खुद ही होता है, ऐसा समथिंग इस तरह का हम कुछ एक डायलॉग यूज करते थे बचपन में, सबने किया होगा कि जो बोलता है वो खुद ही होता है। दैट मीन्स हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है हम बोल रहे हो बट हम कह रहे हैं अच्छा तू बोल रहा है तू खुद ही होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है कि आई हेट माई सेल्फ, मान लीजिए। ठीक है, मदर है जो खुद को पसंद नहीं करती, वो बच्चे को कह रही है, क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करती तो वो जो उनके मन में है वो प्रोजेक्ट कर रही है, वो लाइट डाल रही है उस चीज की, किस पे, बच्ची पे, वो कह रही है आई हेट यू। ठीक है, मदर कह रही है आई हेट यू, क्यों, क्योंकि वो खुद को भी पसंद नहीं करती। ठीक है, तो कई बार हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ खराब हो रहा है बट सामने वाला खुद ही अंदर से, कहानी खत्म है। बेसिकली जो साइकी है, जो साइकोलॉजी है, बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें नहीं है, ग्रे में बहुत कुछ है। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो मदर कह रही है कि आई हेट माई सेल्फ, ऐसा उनके मन में है इसलिए वो बच्चों कह रही है आई हेट यू, है ना। किसी ने चीट किया और वो खुद कह रहा है कि यार तुम चीटर हो, तो ये क्या, वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो उसके मन में है, जो उसके अंदर है वो प्रोजेक्ट कर रहा है सामने वाले पे। ठीक है जी, बात ये नेहा को कौन ढूंढ रहा है यहाँ पे, पढ़ाई कर लेते भाई साहब, है छाटू कुमार, छाटू कुमार पढ़ाई कर लो, नेहा से जीवन चलेगा क्या, चल जाएगा, ये कह रहे हो चल जाएगा तो पढ़ाई भी कर लो, केवल नेहा से तो नहीं चलेगा ना। देखिए कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें, कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, ये होता है कॉम्पनसेट करना कि आप मान लीजिए पढ़ाई में अच्छे नहीं है बट आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ठीक है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्या किया, स्पोर्ट्स में मेहनत की, आपको पसंद है वो, तो आपने कॉम्पनसेट कर लिया। ठीक है, यूपीएससी करना था नहीं हो पाया किसी कारणवश, आपने क्या किया, कोई सोशल सर्विस, जैसे वो कौन सी सीरीज आई थी अभी एस्पिरेंट्स, तो उसमें वही दिखाया था ना भाई, वो जो क्या पता नहीं क्या नाम है, वो जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें, धैर्य आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर यूपीएससी नहीं भी होता तो मुझे तो सोशल वर्क करना है तो सोशल वर्क कर लेंगे, तो यूपीएससी नहीं हुआ चलो सोशल वर्क कर लेंगे, मतलब समतुल्य कोई चीज चूज कर लेना, है ना, सोशल वर्क। तो ये क्या कंपनसेट कर लिया कि भाई इस चीज में प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, इसके ही बराबर का कुछ और कर लेंगे जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना, उसमें अच्छे निकल जाएंगे, यूपीएससी नहीं हो रहा सोशल वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पनसेशन होता है। बहुत बढ़िया मोहित, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फोर्थ, रिग्रेशन यानी प्रतिगमन बोलते हैं इसको, कि आप मान लीजिए आज हैं 20 साल के, लेकिन आप 20 साल की उम्र में किसी एक घटना पे कैसी हरकत करने लगे 8 साल की, यानी अपनी एज से कम, तो ये क्या होगा, प्रतिगमन यानी आप वापस चले गए, वापस चले गए बचपन में, यानी अपनी एज से पीछे चले गए। जैसे मान लीजिए आप, आपका आपका आपकी आपकी पानी की बॉटल ले ली किसी ने और आपने रोना शुरू कर दिया, मतलब जो आप अपनी एज से पहले का कैरेक्टरिस्टिक था, जो बचपन में जो चीज ज्यादा होती थी अब आप वो कर रहे हैं। ठीक, तो रिग्रेशन क्या है, आप देख रहे हैं बॉस ने डांट दिया और एक व्यक्ति है बड़ा सा और वो बैठ के रो रहा है, तो ये क्या रिग्रेशन है, है ना, रिग्रेशन है। जैसे बच्चे का बेड वेटिंग करना, बच्चा बड़ा हो गया बट वो अभी भी बिस्तर गीला कर रहा है, तो ये क्या है, रिग्रेशन है, अपनी एज से छोटी हरकतें करके वो अपने आप को सुकून दिला रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आता है फिफ्थ, ये 12 है कुछ जो मेन मेन हमें पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का 6 से 7 रहेगा टाइम जो रहेगा ना इस क्लास का, करियर लैब पे होगी ये, बाकी आपका 9:30 का टाइम है यूट्यूब पे, वो हम कल से करेंगे, पेमेंट कर दें बट बैच शो नहीं कर रहा है। प्लीज दीपक यादव एक बार मेल कर दो, या तो मुझे वो himanshi.edu10 पे, या फिर करियरवेल की जो ये नंबर्स हैं उस पर आप कॉल कर लो, है ना, या रिफ्रेश करके फिर से एक बार चेक करो, हो जाएगा। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन होता है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण क्या है भाई, सब्लिमेशन है आपने चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक भाई, आपने एक नेगेटिव इमोशन को, मान लीजिए एंगर बहुत ज्यादा है आपके अंदर, गुस्सा, अब ऐसा तो है नहीं आप किसी भी रोड राह चलते व्यक्ति को पीट देंगे रोड पे चलते हुए, क्योंकि आपको तो गुस्सा आ रहा था और आपका मन कर रहा था और आप में बहुत गुस्सा है, आपका लड़ने का मन करता है और आपने किसी को भी उठाया और उसको पीट दिया, भाई उसके भी तो मानव अधिकार है ना, उसके भी तो ह्यूमन राइट्स है, वो जाके कंप्लेन कर देगा, आप जेल में बैठ जाएंगे जाकर के। ठीक है, और हाँ अब्दुल आज मैं कमेंट की रिप्लाई कम कर रही हूँ, डोंट वरी। हाँ दीपा ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, नहीं रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्स कॉन्शियसली होता है, कंपनसेशन आपको पता भी नहीं होता कि आप क्यों दूसरी चीज में इतना लगे हुए हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको कहीं और हार मिली थी, है ना। ठीक है,
आते, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बड़े समता, बस यही चाहिए हमें। देखिए अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन है चेंज ऑफ एनर्जी, आपका एक अनएक्सेप्टेबल इमोशन। भाई एंगर ऐसा थोड़ी आप किसी का भी मन के आपने कूट दिया किसी को भी पकड़ के, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये तो तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो उदात्तीकरण यानी आपने आपके जो अनएक्सेप्टेबल या सोशली जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके अंदर, उनको आप एनर्जी या वेज चेंज करके यूज कर रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे, अब इस एंगर को आप ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी पीट देंगे, तो आप क्या बन गए, आप रेसलर बन गए, आप एक रेसलर बन गए, ठीक है, आप रेसलर बन गए, ठीक। आपको गुस्सा आता था, अब आप क्या कर रहे हैं, ये अपने जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस गुस्से का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। रेसलिंग तो कोई पाप नहीं है, रेसलिंग से तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे गुस्सा दिखाने से आपको कोई समस्या हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, रेसलर बन गए, या आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया अगर आप में थोड़ा सा अग्रेशन या वो सब चीजें हैं। एक एक वो याद कीजिएगा, भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी ना, तो उसमें वो क्या होते हैं कि आर्मी में होते हैं और उनके जो भी सीनियर्स हैं वो देखते हैं कि भाई उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो कई बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ गलत कर बैठे हैं, तो इस चक्कर में उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहां अगर वो अपना एंगर यूज करेंगे, अपनी एनर्जी यूज करेंगे, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है, है ना। तो वो तरीका क्या है, ज्यादा बेटर हुआ। तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं एक हेल्दी वे में। जैसे कुछ लोगों को मतलब किसी की जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों का दिल टूट गया बहुत ज्यादा, उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया, क्या किया, सब्लिमेट कर दिया उस एनर्जी को, बजाय कि देवदास बनने के उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। किसी का सेक्सुअल थॉट्स हैं बहुत ज्यादा, पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली आप ऐसे अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या आपके इमोशंस जो आप खुल के ऐसे समाज में आंख बंद करके नहीं यूज कर सकते, उनको आप वेज चेंज करके दर्शाते हैं। ये है सब्लिमेशन, कि आपने एनर्जी चेंज कर दी। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी आप स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ने डांट लगाई एक दिन दबा करके और आपको खूब डांट पड़ी, आप घर गए, बच्चे ने कुछ ऐसे ही प्यार से कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहा होगा, इतनी सी बात थी, बट आप इतने बड़े बम की तरह फट गए, आपने बच्चों को डांट दिया क्योंकि आपकी डांट पड़ी थी प्रिंसिपल से या अपने बॉस से आपकी डांट पड़ी थी, तो आपने अपने घर वालों पे जाके गुस्सा निकाल दिया। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हम बहुत बार करते हैं जीवन में, है ना, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हेल्दी नहीं है अगेन। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉस चिल्ला रही थी इनके ऊपर, इन्होंने जाकर के अपने छोटे से बच्चे पे चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको वो मूवी याद होगी थप्पड़, है ना, जिसमें कितनी मूवीज की एग्जांपल दे दिया आज मैंने, जितनी देखी नहीं होंगी पूरी जिंदगी में, मूवीज तो खैर देखी देखते हैं हम लोग सभी। और अगर हम बात करें, कोई कह रहा है संदीप कह रहे हैं कमेंट नहीं देखते हो, संदीप डिस्कशन के टाइम पे कमेंट में कम ही देखती हूँ, नहीं तो टॉपिक का मजा खराब हो जाता है ना, क्योंकि कई हजार लोग हैं, ऐसा नहीं है ना कि 20 लोग बैठे हुए हैं क्लास में या 200 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई एक खड़ा होकर बोलेगा तो बाकी लोग चुप रहेंगे, सब बोलते रहते हैं एक साथ, ठीक है। हाँ सीटेट की एक बार सीटेट अनाउंस हो रहे हैं तो तब चलेगी। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता था, वाइफ को थप्पड़ लगा दिया, फिर वाइफ ने मजे ले लिए बाद में, मतलब अब वो तो उसके भी राइट्स है ना, इंसान है, आप ऐसे थोड़े ना कर सकते हैं। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए खैर समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आता है सेवंथ, आइडेंटिफिकेशन, फटाफट समझते हैं, 12 ही हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये इनडायरेक्ट वेज है एडजस्टमेंट के, जिनको हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। किसने दिया, सिगमंड फ्रॉयड ने। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है कि हम कई बार क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं कई लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो भी फेवरेट है, अरे फलाने जी के बारे में आपने कैसे कह दिया, वो तो मेरे फेवरेट है, चाहे आप पर्सनली कुछ नहीं जानते उनके बारे में, है ना, बट आप उनके लिए लड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप आइडेंटिफाइड हैं उनसे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक टीचर है जो टीचर जैसे कपड़े पहनते हैं या जैसा स्वेटर पहनते हैं, बच्चे भी वैसा ही स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं, दैट मींस बच्चे आइडेंटिफाइड हैं टीचर से, है ना, वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं खुद टीचर से खुद को, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन है कि आप जोड़ना शुरू कर देते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं अपने आप में किसी और से, आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, फेवरेट आपकी टीम है, आप उसके लिए खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे बिल्कुल आप ही कर रहे हो वो चीज, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, ये है आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ेंगे, बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या है, रिप्रेशन, दमन। रिप्रेशन है कि आपने क्या किया, कोई ऐसी घटना घटी आपके साथ जो ठीक नहीं थी, है ना, और आपने बचपन में बहुत ज्यादा वायलेंस देखा घर में, आप कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम, आप पावर में नहीं थे, है ना, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया किसी के साथ, कुछ और इस तरह का हो गया जो एक्सेप्ट करने में बहुत ही अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है ना, जिसको एक्सेप्ट करना ईजी नहीं है, तो दिमाग क्या करेगा या ईगो क्या करेगी, उसको इनडायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस में भेज देगी। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहते हैं, इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहते हैं, हालांकि आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं, है ना, अनकॉन्शियसली हो जाता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग।
ठीक है, मोटिवेटेड फॉर गेटिंग रिप्रेशन, दमन कहते हैं इसको हम। रिप्रेशन और सप्रेशन में अंतर होता है, अभी समझेंगे क्या होता है। ये क्या है कि आपके ऐसे अनएक्सेप्टेबल या बहुत ही पेनफुल मोमेंट्स जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिनको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, वो आपके ब्रेन ने क्या किया, उनको अनकॉन्शियस में डाल दिया, उन ऐसी मेमोरीज को, ऐसे इंस्टेंसेस को दबा दिया कहीं ना कहीं कि आपको 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 याद ही नहीं है, वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग हो गई, उसको रिप्रेस कर दिया कि ठीक ये है रिप्रेशन, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। सप्रेशन और रिप्रेशन में एक ही अंतर है, सप्रेशन को शमन बोलते हैं, दमन बोलते हैं रिप्रेशन को। सप्रेशन जो है वो कॉन्शियसली होता है कि यार अभी आपकी एक मीटिंग है और अभी अभी कोई आपको न्यूज मिली जो कि बहुत ही प्लेजेंट नहीं थी, दुखद घटना हुई है कुछ, बट आप क्या करेंगे यार अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं, अभी फोकस करते हैं मीटिंग पे। तो ये हुआ सप्रेशन, जो कॉन्शियसली होगा, जो चेतन रूप से आप कर रहे हैं, है ना, कि ब्रेकअप हुआ है बट आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं फटाफट से कहां, जिम में, खैर वो तो सब्लिमेशन हो जाएगा। और सप्रेशन हो जाएगा कि मतलब उस टाइम के लिए आपने उस चीज को दबा दिया और आप किसी और चीज पे काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली आपने उस चीज को दबा दिया कि यार इस पे नहीं सोचते, इस पे बात ही नहीं करनी, छोड़ते हैं इसे। ये है सप्रेशन, ठीक है, कि इस पे बात ही नहीं करनी, उस चीज को आपने दबा दिया कॉन्शियसली कि अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ये है सप्रेशन। रिप्रेशन है अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो आपके अनकॉन्शियस में चला जाएगा क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। फिर आता है टेंथ, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। एक बार होता है ना, कई बार होता है ना, आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत गाली दे दी किसी को, है ना, ऐसे मत करना वैसे, है ना, या फिर कुछ और एकदम से आपका रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने थप्पड़ लगा दिया, आपने कुछ भी, मतलब जो आपका रिएक्शन है वो एकदम से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्शन फॉर्मेशन, उस एक्शन का रिएक्शन था एक तरह से। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है 11th, डिनायल यानी इनकार। डिनायल क्या है कि आपके सामने जो चीज घटी है आप उसको मान ही नहीं रहे। मान लीजिए टीचर ने बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ा, पूछा कि तुम कहां से देख रहे थे, फिर मैंने तो देखा ही नहीं कहीं से, है ना, मुझे तो पता ही नहीं, है ना। आपने किसी से देखा, किसी को कुछ बोलते हुए आपने पूछा, अच्छा ये बता दो, कि मुझे तो पता ही नहीं, मतलब डिनाय कर रहे हैं। आपके साथ कोई घटना घट गई, होता है ना कई बार डेथ्स के केस में ऐसा होता है कि कई लोगों का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म उस तरह से काम करता है कि किसी की अचानक मृत्यु होने पे कोई है घर में या कोई व्यक्ति है जो ये मान ही नहीं पाता कि यार वो देखते हैं आप कि वो डेड बॉडी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मान ही रहे हैं, वो डिनायल में है कि वो व्यक्ति जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये क्या डिनायल है, कि आप इनकार में हैं या आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा कई बार प्यार व्यार के केस में भी हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है, कि उनको खुद को नहीं पता होता कि वो इमोशंस हैं कि नहीं है, तो वो डिनायल में होते हैं कि यार मुझे तो तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें तो कभी उस तरह देखा ही नहीं, और अंदर अंदर हो सकता है वो फील कर रहे हो, ठीक है। चलो आज बहुत मजे मजे वाले एग्जाम्पल भी ले लिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था आपका टॉपिक एडजस्टमेंट, जिसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 12th है डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न, एक बुक भी है गीजू भाई बदेगा की। डे ड्रीमिंग होता है आप बस आंख बंद करके आराम से सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप, जीवन में एक्शन आप जीरो कर रहे हैं, पर डे ड्रीमिंग, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, दिन में सपने देख रहे हैं आप खुली आंखों से, ठीक है। तो ये हुआ डे ड्रीमिंग। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वन वीक के लिए एडमिशन्स और ओपन है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो अभी आज से आपकी क्लास शुरू हो गई। करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये नंबर है, अगर किसी जितने भी लोगों की ये कंप्लेंट है ना कि पेमेंट कर दिया या बैच नहीं शो हो रहा है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, तो एक बार इस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर है कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, ठीक है।